नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। अगर कोई सेहत संबंधी समस्या है या फिर सवाल है मन में तो लिख भेजें कमेंट्स के माध्यम से। हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए आप अलसी का प्रयोग कैसे करें। जी हाँ, अलसी एक कमाल की औषधि है। इस बारे में पूर्णतः जानना है तो इसी चैनल पर एपिसोड पड़ा हुआ है, आप देखें कि कैसे मधुमेह, कैंसर जैसी घातक बीमारियों को दूर करने के लिए अलसी का उपयोग फायदेमंद होता है। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए कैसे अलसी का उपयोग करेंगे। पाचन तंत्र की उपयोगिता हम सभी को पता है कि हमारे शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं सभी को एनर्जी पाचन तंत्र के द्वारा ही मिलेगी। अगर आपने जो खाया वो सही से हजम नहीं होगा तो आपके शरीर के सभी अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यानी कि आपके शरीर के अंगों को सही ढंग से न प्रोटीन मिल पाना है, न ही विटामिन्स, न ही मिनरल्स, तो उनका पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो वो सही से कार्य नहीं करेंगे। इस वजह से प्रभाव बहुत बुरा पड़ेगा शरीर पर। इसलिए पाचन तंत्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है और उसमें अलसी एक कारगर औषधि है। जी हाँ, अलसी में पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड कुछ पाचन समस्याओं जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और आंतों के सूजन में सुधार करता है। अलसी फाइबर में समृद्ध है, इस वजह से इसे अक्सर कब्ज से छुटकारा पाने के लिए प्राकृतिक उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है और करना चाहिए। अलसी की एक चम्मच में 2.8 ग्राम फाइबर होता है। फाइबर आपके मल की मात्रा को बढ़ाता है और इसे नर्म करने में मदद करता है, जिससे इसे त्यागना आसान हो जाता है। इससे आपके आंतों की समस्याओं और कब्ज में राहत मिल जाती है। आप अपने आहार में अलसी को जोड़ करके पाचन क्रिया में सुधार कर सकते हैं। अलसी साबुत भी आपको उपलब्ध होता है पर उसको पचाना मुश्किल होता है, इसीलिए कहा जाता है कि इसको साबुत उपयोग न कीजिए। आप अपने घर पर मिक्सर का प्रयोग करके उसको पीस सकते हैं या फिर पीसा हुआ भी खरीद सकते हैं। हालांकि अलसी का तेल एक विकल्प है पर इसमें आपके पाचन में सुधार करने के लिए आवश्यक फाइबर नहीं होता है। अपनी पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए आप अलसी को विभिन्न रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने का प्राकृतिक उपाय है आपके लिए। यानी कि आप सभी जानते हैं कि इसके उपयोग को आप कैसे करें तो पाचन तंत्र बेहतर होगा। तो ये जान लीजिए कि आपको इसके तेल का इस्तेमाल अन्य बीमारियों में कर सकते हैं, लेकिन आपको जब भी पाचन संबंधी गड़बड़ी को दूर करने के लिए करना है तो डायरेक्ट करना होगा। सबसे बेस्ट तरीका है कि सुबह सुबह इस्तेमाल कर लीजिए, यानी कि रात को पानी में भिंगो दीजिए अलसी को और सुबह उठ करके उसे चबा लीजिए और ऊपर से पानी पी लीजिए जिसमें आपने भिंगोया है वो वाला, आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि पूर्णतः आपको 100% नॉलेज मिले कि अलसी क्या है, कैसे इसका उपयोग किन किन बीमारियों में किया जाना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियों को दूर कर सकती है ये, क्योंकि कमाल की औषधि है बहुत सारे रोगों की और बड़े बड़े रोगों से निजात पाने के लिए इसका उपयोग आप कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने इस चैनल पर एक एपिसोड बनाया हुआ है अलसी के फायदे, जो कि एपिसोड आप देखेंगे तो बड़ा है क्योंकि उसका लेंथ जो है वो 12 से 15 मिनट के बीच का है और वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। हम रिकमेंड करेंगे कि वो एपिसोड जरूर देखें क्योंकि आपको उसमें पूर्णतः पता चलेगा कब कब अलसी का सेवन करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, साथ ही साथ किन किन बीमारियों में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे इस एपिसोड में भी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन हर एपिसोड बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो एपिसोड बड़ा है, इस वजह से वो वही लोग देख सकते हैं जो इनको देख करके समझ जाएं कि नहीं ये कायदे की जानकारी है, फायदे की जानकारी है तो देखेंगे, अन्यथा लोग लेंथ देख करके ही यानी कि वीडियो की लंबाई देख करके ही क्लिक करने से डर जाते हैं, इतनी देर कौन जानेगा, कौन देखेगा। लेकिन जब आपको पता चलता है कि नहीं जानकारी अच्छी है तो आपका 15 मिनट लगता है लेकिन आपके पूरे जीवन काम आता है। आपके ही क्यों, आपके पूरी फैमिली के लिए पूरे जीवन काम आता है क्योंकि आप अलसी के उपयोग के बारे में जान जाते हैं कि कब हमें उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है। इसीलिए हम रिकमेंड करेंगे कि एक बार जरूर देखें पूरा एपिसोड अलसी के फायदे वाला, क्योंकि आपको 100% उससे कमाल की नॉलेज मिलेगी। ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है और कमेंट कीजिए आपके
मन में कोई भी सेहत संबंधी सवाल हैं तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियोज जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं आप सभी से इस एपिसोड से, जुड़ते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।